अरे नीलम बेटा। हाँ जी मम्मी। अरे हॉल की साफ सफाई कब तक करती रहोगी? हाँ जा जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ बेटा, पूजा का वक्त हो रहा है, जा। हाँ माँ जाती हूँ, बस हो ही गया। हाँ जल्दी जाओ। लीजिए दीदी। हाय, कितनी अच्छी लग रही मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे तुम्हें, हा? सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लग रही हो दीदी। थैंक यू। आज तो मुस्कुरा दीजिए, कब से आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रही हूं मैं। ऐसी भी क्या नाराजगी मुझसे, अगर आप आज हंस दोगे ना तो मेरी सूनी सी जिंदगी में बाहर आ जाए। कुछ तो बोलिए। वाह भाई वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत कमाल है, ऐसी पतिव्रता तो हमने कभी देखी नहीं और ना सुना कभी। कितनी सेवा करती है ना अनिल की। पत्नी का तो कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करे, है ना? खुश है बेटी, खुश है। पर संस्कार भी तो होने चाहिए, और अच्छे संस्कार अच्छी माँ से ही आते हैं। भाई हम तो सावित्री जैसी पतिव्रता पत्नी को देखकर खुश हो गए। और कैसे तबीयत है अभी दामाद जी की? अभी अभी थोड़ी ठीक है, बस दवाइयाँ चालू हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि बस दवाई चलती रहेगी, बस जल्द से जल्द होश में आ जाएंगे। बुरा हो इस कोरोना का, कैसी नासपेटी बीमारी है, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबके घर बर्बाद किए हैं। अब भाई साहब को ही देख लीजिए। चलो बहन हम दामाद जी को देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे चलो, चलो। नहीं वो एक मिनट हमारी बात सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे आप जा रही थी? अरे मना किया ना डॉक्टर ने मिलने से। हमें मालूम है वो कोमा में। हाँ वो कोमा में। कैसी हालत हो गई है बेचारे की एकदम से। वो तो ये लोग हैं जिन्होंने इतनी सेवा की, वरना तो अब तक भगवान को प्यारे। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी आप लोग जाइए, चलिए व्रत तोड़ना है ना आपका, चलिए 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 आराम, जाइए जाइए। बाबा जी और कब तक चलेगा ये सब? बस कुछ दिन और, फिर तेरे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। वो सब देख रहा है, वहां देर है अंधेर नहीं, बाबा सब ठीक कर देंगे। कठिन परीक्षा देने वाली है तू, काल का भी सिंहासन डगमगा उठेगा। हम देंगे उसे चुनौती, ये बाबा देंगे उसे चुनौती। अब मृत्यु पर विजय का समय आ गया है। कालों के काल हैं हम,
हमने अपने गुरु के आशीर्वाद से अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। कठोर तपस्या की है हमने, सब ठीक हो जाएगा। हमने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। हमने जो समझाया वो तुम्हें समझ में आया या किसी प्रकार का कोई संदेह है? जैसे आपकी आज्ञा। तो फिर जाओ, बाबा आएंगे तुम्हारे घर, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के कष्टों को अपने भीतर समेटने के लिए। कल्याण हो। अनु, तुम जानते हो ना मेरे घर की हालत। ऐसे में मैं तुम समझ रहे हो ना, कोरोना ने तो हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। पहले पापा और अब जीजू। आई अंडरस्टैंड यार, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन अब और नहीं सहा जाता। हम लोग लो प्रोफाइल शादी कर लेते हैं। मैं अपने मम्मी डैडी से बात कर लेता हूँ, तुम बस एक बार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी बहुत जल्दी है तुम्हारे घर अपने घर आने की, लेकिन जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं। लेकिन तुम जीजू को किसी हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट नहीं कर देती? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते अनु, पैसे नहीं है हमारे पास। पापा के जाने के बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ा के और मम्मी और दीदी घर से ही काम करके जैसे तैसे घर संभाल रहे हैं। ऐसे में ही नर्सिंग होम का खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो दीदी के बारे में सोचते रहती हूँ, बेचारी कितना कुछ सह रही है, परेशान हो गई है यार। साक्षी, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? नहीं अनु, कोरोना के बाद तुम्हें भी आधी सैलरी मिल रही है, तुम्हारे खुद के भी खर्चे हैं। ऐसे में मैं तुम पे एक बर्डन नहीं बनना चाहती। जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें वेट करना होगा। आई लव यू। तेईस, चौबीस, पच्चीस। बेटा 25 सुपारी है, देख लो। हाँ। और पान कितना बताया था? 27। बेटा तुम एक काम करो, ये सारी सामग्री ले जाकर अपने जीजू के कमरे में रख दो। मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, देर कहीं ना हो जाए, बाबा जी आ जाएंगे। हाँ, और तुम किस सोच में डूबी हो बेटा? युगो युगो से अग्नि परीक्षा एक औरत को ही देनी पड़ती है और यही परंपरा है बेटा। एक औरत का ही कर्तव्य है कि अपने पति परमेश्वर के लिए सब कुछ निछावर कर दे। बाबा जी सब ठीक कर देंगे बेटा। सारी तैयारियां हो चुकी? जी बाबा जी, आइए।
मेरी एक गलती की वजह से आज मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी खराब हो गई। काश मैं वो सब नहीं करती। तू जहां कहीं भी है इसके शरीर में पुनः प्रवेश कर, ये हमारा आदेश है। कठोर तप किया है हमने, हमने सब आसन किया है, हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे, अन्यथा वर्षों तक भटकती रहेगी, किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी तू। आजा, आजा। माँ, लगता है कि पूजा खत्म हो चुकी है। बाबा, पापा, पापा जी, Thank you.
कोई आवश्यकता नहीं। सब साधना ये बहुत ही श्रेष्ठ विधि है। इसके बाद अनिल हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा और तुम्हारे घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मूर्छित हो गई है, शीघ्र ही उसे होश आ जाएगा। उसने बहुत ही समर्पण भाव से पूजा की विधि को संपन्न किया है। आपने संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं कमला जी। ये कर्मकांड बहुत कठोर है, इसमें अक्सर ऐसा होता है। आज पूजा का दूसरा चरण समाप्त हुआ, अब तीसरा और अंतिम चरण अमावस्या की रात को होगा। तभी हमें और अनिल को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साक्षी तुम तैयार रहना। जय बाबा की। नीलम, दीदी उठ जा, उठिए। चली दीदी, उठ। आराम से। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश। कैसे हो? ठीक। साक्षी नजर नहीं आ रही है। अरे बेटा, उसे आने में थोड़ी देरी हो जाती है। क्या है ना कि पड़ोस के मोहल्ले में वर्मा जी है ना, उनके कुछ बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती है। अब देखो, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती है ना, तो बाकी भी वहाँ के बच्चे कहने लगे कि हम तो साक्षी दीदी से ट्यूशन लेंगे। अब अकेली जान कितना और काम करेगी ना। अरे साक्षी, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। साक्षी कहाँ गायब हो? ना फोन के आंसर दे रही हो, ना मिलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अरे बाबा, इतनी बिजीनेस भी अच्छी नहीं है, शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी मम्मी को बाहर काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि मम्मी दादी को फॉलो करती है, और वो कहते हैं ना कि हमारे घर की प्रतिष्ठा, बस कुछ वैसा ही। साक्षी, अरे बाबा, मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी थकावट हो जाती है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जीजू कैसे हैं? और दीदी भी दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एक मिनट बेटा। उनसे क्यों मिलना है? वो तो ठीक ही है, आराम कर रहे बेटा, वो तो सो रहा है। अरे मैं उनसे दूर से मिल लूंगा, आप लोग टेंशन। अनूप, समझो ना, दीदी जीजू को चेंज करा रही होगी, इसीलिए मना कर रही हूँ। साक्षी, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो मेल हूँ ना, देख लूंगा तो क्या होगा, जाने दो। अनूप बात समझो ना, जब हम दोनों कह रहे हैं कि बाद में मिल लेना, तो समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मैं नॉर्मली उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और तुम लोग? ठीक है, अब तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। अनूप, बात समझो, तुम जाओ यहाँ से, मैं कल तुमसे मिलकर बात करती हूँ। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, तुम हमें और परेशान मत करो। क्या परेशान मत करूं? साक्षी, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, और मेरा हक है उनसे मिलने का। हमारी शादी हुई नहीं है अभी तक। क्या क्या कहा तुमने? ठीक है,
सब समझ गया मैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। बहुत अच्छा, तुम्हें इस बात का जवाब मैं देकर रहूंगा। बात सुनो, नीलो, ए नीलो, ए नीलो, ए नीलू, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। आप फिर शराब पी के आए? नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए, आपकी शराब पर उड़ाने के लिए नहीं है पैसे मेरे पास। तुमने मुझे शराबी कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? चल निकाल पैसा, ये दूंगा एक कान के नीचे धक्के। भूल गई तू? हाँ, दे पैसा। नहीं है पैसे मेरे पास। अब देना। दादाजी क्या कर रहे हैं? सीधी बात कोई समझता ही नहीं है इस घर के अंदर, सब साले लातों के भूत हैं। दे पैसा। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो रोना बनकर चुप हो गया बेटा। अरे माँ, क्यों दिए पैसे उनको आपने? अरे मर जाने देते ना मुझे, मैं मर जाती ना तो सारा पाप ही खत्म हो जाता। हार गई हूँ मैं इस जिंदगी से, परेशान हो गई हूँ मैं इस जिंदगी से, मैं भगवान क्या करूँ मैं इसका। तू रोना बंद कर पहले चुप, कल ही चलेंगे। अब हम जाएंगे बाबा से मिलने, बहुत अच्छे, वो सबके मन का दर्द हार लेते हैं बेटा, वो सब जानते हैं। बाबा जी हम पर दया करें, मेरे पूरे घर का सत्यानाश हो गया बाबा जी। मेरा दामाद रोज शराब पी कर आता है, पूरे घर में क्लेश करता है, इसकी क्या हालत कर दी देखिए बाबा जी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, नाम क्या है उसका? अनिल। छप्पन चौसठ का योग है, अर्थात टोट का काला साया। किसी ने तुम्हारे घर को बांध दिया है, लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम जैसा कहें वैसा ही करना है। जी बाबूजी। ये उसे खाने में खिला देना, और एक बात का ध्यान रहे, इसे ग्रहण करने के पश्चात वो मदिरा का सेवन न करने पाए, और ना ही कोई स्त्री उसके निकट आनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देखिए मैंने आपकी पसंदीदा खीर बनाई है, और सुना है कि खीर खा के बाहर जाने से हर काम बन जाता है, तो लीजिए। क्या बात है, आज इस मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ये सचमुच का प्यार है या कोई साजिश? इधर आइए बैठिए। साजिश तो लोग दुश्मनों से करते हैं, अपनों से तो सिर्फ प्यार किया जाता है, और आप तो मेरे अपने हो ना, और मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ आप हो। टेस्ट करके बताइए कैसा है। बहुत अच्छा। लगा क्या फोन? फोन बंद बता रहा है। बंद बता रहा है? हाँ। भगवान, ए भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सोने की चूड़ियां ले गया वो। माँ शांत, क्या करूँ? माँ ये क्या कह रहे हो आप? देखे माँ, मेरा अनिल जरूर हालातों का मारा होगा, शराबी होगा, मगर
वो चोर नहीं है माँ। ए भगवान, अरे अपने आंखों पर से ना ये पत्नीव्रता की पट्टी निकाल के फेंक और मान ले इस बात को कि अनिल वो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। माँ तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ, पति है वो मेरे, आप तो जानती हो वो पहले ऐसे नहीं थे, उनका काम छूट गया, काफी कर्जा हो गया, कर्जगार जब घर पे आने लगे तो हमें वो शहर छोड़ के इधर आना पड़ा। माँ अभी आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम, जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगी, तुम दोनों सब मेरा साथ दो बस, बाबा जी हमारे साथ है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो उन लोगों का पता लगाने के लिए गया है जिन लोगों ने तुम्हारे घर पर टोटका किया है, अब वो उनका पता लगा कर ही वापस आएगा, लेकिन एक बात याद रहे, जैसे ही वो आए तुरंत हमें सूचित करना। जी बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा भला करेंगे तुम्हारा, कल्याण हो। नीलू, नीलू, मुझे क्या लगा तेरी चलाकी मुझे समझ नहीं आएगी, होशियार है तू बहुत हा? और तेरी वो माँ, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि माँ के गहने कहाँ। क्या कर लेगी, सब भेज दूंगा, तुझे भी भेज दूंगा, चल पैसे निकाल, दे पैसे। नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए। रुक, अनिल ये क्या कर रहे आप? नहीं अनिल, नहीं अनिल, नहीं अनिल, साला दो कोड़ी का परिवार तुम्हारा आज तक मेरी मदद नहीं करी, मेरा साला बाप मर गया, तू छोड़ के निकला मेरे लिए वो चीज़। अरे नहीं जा, नहीं कोड़िया, नहीं नहीं बाबा सब ठीक कर देंगे, हमारे ऊपर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हम कोई मामूली इंसान नहीं, कठोर तपस्वी हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा ये सब कैसे करेंगे? हमने कहा ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब साधना करेंगे, हम इस मुर्दे में फिर से जान फूंक देंगे, और सिर्फ जीवित ही नहीं होगा बल्कि सदा के लिए अमर हो जाएगा। वो कैसे बाबा जी? बाबा की बातों पर संदेह नहीं करते, बस दो अमावस्या तक इसके शरीर को संभाल कर रखना होगा तुम्हें, उसके पश्चात पूर्णमासी की रात्रि हम सब साधना करेंगे और इसे पुनः जीवन दान देंगे, इस तरह से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन बाबा जी तब तक हम इसे ऐसे कैसे रख सकते हैं? वो हमारा काम नहीं, ये तुम्हें सोचना है, बाकी सब हम पर छोड़ दो, अब ये तुम तय करो कि तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रहना है या फिर अपने माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाना है, अपने पति को जीवन दान देना है। पापा आप जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बस मेरे अनिल को वापस ला दो। दीदी क्या बोल रहे हो, ये जो मर चुके हैं वापस जिंदा नहीं हो सकते, क्या बोल माँ? चुप कर तू, बीच में मत बोल, सिद्ध पुरुष है ये सब जानते हैं बेटा। बाबा जी अब जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे
हम वैसा करेंगे, बस मेरे अनिल को वापस ला दो, मेरे अनिल को वापस ला दो। तो फिर ठीक है, हम आज से ही पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें सुहागन की तरह रहना है और किसी बाहरी व्यक्ति का साया ना पड़ने पाए। लेकिन हम इनको सबसे छुपाएंगे कैसे? साक्षी माँ, हम सबको ये बताएंगे कि अनिल को कोरोना हो गया था, उसी की वजह से हम उसे अस्पताल ले गए थे। हम क्योंकि अस्पताल का बिल नहीं भर पा रहे थे, इसलिए हम इनको हॉस्पिटल से घर ले आए। माँ, 4-5 दिन हमें हॉस्पिटल आने जाने का नाटक जरूर करना पड़ेगा, ताकि किसी को शक ना हो। देखो साक्षी, तुम्हें अनूप को घर से दूर रखना पड़ेगा, ताकि इस सब के बारे में उसे पता ना चले। पापा जी, आप कार्यक्रिया शुरू करिए। हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला है जो सदियों में किसी किसी को मिलता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस शब साधना में मैं सफल हो जाऊं और सदा के लिए अजर अमर हो जाऊं, मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो जिसका मैं हकदार हूं, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। दामाद जी की तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा सुधार है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे, और रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। अच्छी बात है, चल बहन चलकर देख के आते हैं। हाँ हाँ, हम देख कर आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, आप अभी नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, इन्फेक्शन फैल सकता है ना। अरे कोई बात नहीं, हम लोग दूर से देख लेंगे। मैंने कहा ना, आप लोग नहीं, आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? माँ क्या कह रही है? आप लोग नहीं मिल सकते उनसे, नहीं देख सकते आप लोग उनको, फिर जिद क्यों कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहे थे। हमें आप लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, हम अपना अच्छा और बुरा खुद समझ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। रुको, देखो वो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया, आप इसकी बात को बुरा मत मानिए, परेशान है बेचारी, आप माफ कर दीजिए इसे। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ चलो। अरे चलो, शो हो गया है तुमको? क्या हो गया, क्यों ऐसी बात कर रही हो तुम? तो क्या करूं मैं माँ, आप ही बताओ। मैं टूट गई हूँ, तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। इस अमावस्या और पूर्णिमा के चक्कर में ना दम घुटता है मेरा। एक तो मैंने अपने हाथों से अपने पति को मार डाला, और अब उसी के सामने दूसरे मर्द के साथ गिना दिए मुझे अपने आंख से। चुप हो जा, चुप हो जा, बस तू अपने आप को संभाल, ये नाटक भी खत्म हो जाएगा जल्दी। कल अमावस्या है और पूजा का आखिरी दिन भी है ना, सब ठीक हो जाएगा, चुप। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस बाबा के साथ नहीं, मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती, मैं प्यार करती हूँ उससे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। हेलो हेलो साक्षी, कहाँ खोई हो? क्या बात है यार, कुछ तो बताओ।
अच्छा बाबा सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। साक्षी आई लव यू यार, आई लव यू। बट अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे घर जाना है, माँ इंतजार कर रही हो, बाद में बात करती हूँ। साक्षी अरे तुमने देखा उस कुसुम की बहू को, देखा कितनी सुंदर है, और बेटा क्या किस्मत है ये यार। भाभी जी, अरे नमस्ते भाभी जी, कैसे हो आप? नमस्ते, मुझे पहचाना? अनूप, साक्षी के साथ शादी। अरे हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? और बारात लेकर कब आ रहे हो तुम मोहल्ले में? बस जल्दी, जैसे अनिल जीजू ठीक हो जाए। वैसे एक बात बताइए, आपने अनिल जीजू को देखा क्या? मेरा मतलब कि उनके बीमार होने के बाद। हाँ एक बार देखा था, बड़ी खराब हालत है बेचारे की, कोमा में है, और उसके घर वाले भी ना किसी की सुनते नहीं है, घर पर इलाज करवा रहे। और आपने किसी डॉक्टर को आते जाते देखा उनके घर पर? अरे नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है वो लोग ना कुछ झाड़ फूंक करवा रहे शायद। कभी कभी तो तीनों की तीनों बाहर चली जाती है, अनिल को अकेला घर पर छोड़कर। क्या हालत हो गई है बेचारे अनिल की। ठीक है, मैं जल्दी बारात लेकर आता हूँ, और आप दोनों को भी आना होगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आइएगा जरूर। कुछ तो चल रहा है साक्षी के मन में और उसके घर में, कोई तो राज है जो वो तीनों मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी हाँ बाबा जी। हम रात्रि 12 बजे आएंगे, आज सब साधना का अंतिम दिन है, फिर तुम्हारा अनिल पुनर्जीवित हो उठेगा और सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा, और इस प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे हम। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं उस बाबा के साथ, छी! मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती। ये धोखा नहीं है, बलिदान है, अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए, अपनी बहन को सदा सुहागर बनाए रखने के लिए। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं करने वाली। मैं देखती हूँ कैसे तू रे करती, मैं तुझे तैयार करूंगी, चल माँ। मैं तुझे तैयार करके ले जाऊंगी, चल यहाँ से। करने की कोई आवश्यकता नहीं कन्या, यह सब साधना की सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसमें एक कुंवारी कन्या अपने आप को समर्पित करती है, तुम भी अपने आप को समर्पित कर दो बाबा जी को, फिर यह ग्रहण की काली रात छट जाएगी, और उसके बाद सूर्य की नई किरण के साथ तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश होगा, अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा, और तुम्हारा अनिल पुनर्जीवित हो उठेगा और हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा।
माँ नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर ले। अब तुम लोग जा सकते हो, सब साधना में विलंब हो रहा है। चपटा माँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दीदी माँ, हमने कहा ना चिंता करने की कोई आवश्यकता। आओ बैठो, यहाँ बैठो बैठो। अब तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। तुम्हारी बहन का सुहाग बचाने के लिए ये विधि बहुत आवश्यक है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, घर में खुशहाली दोबारा लौट आएगी। माँ इस वक्त कौन हो सकता है? साक्षी कहाँ है? साक्षी घर पर नहीं है। मैं जानता हूं वो यहीं पर है। इंस्पेक्टर साहब, पूरे घर की तलाशी लो। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अरे कोई नहीं है, आप बात समझो, बात सुनने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं है। साक्षी, नीच बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। ले जा उसे। हमने कुछ नहीं किया, ये सब कर्मकांड ये लोग कर रहे थे। हमें फंसाया जा रहा है। हमें किसने किसको फंसाया है ये हम हवाला आत्मा लेकर पता ही कर लेंगे। ए, ले चलो इसको। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया गया है। और मैडम आप लोगों को भी थाने चलना होगा। नहीं साहब, सब ये सब चीज की गुनहगार मैं हूं। मैंने ही मेरे पति को मारा है और ये सब भी मैंने ही किया है। मेरी माँ और बहन तो निर्दोष है। सब प्लीज इन्हें जाने दीजिए, अब मुझे ले जाइए। आपको जो भी कहना है थाने में चलकर कहिएगा। ले चलिए इनको। अनूप, हो सके तो मुझे माफ कर देना और इनका इनका इज्जत से अंतिम संस्कार कर देना। चलिए। परेशान मत साक्षी, जल्दी हम माँ और नीलम को छुड़वा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अनिल जीजू को मुक्ति दिलवानी है। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार करवाना है।